Hey guys, welcome back. Animal Cards Day number 2 की occupancies are going mad crazy boss. Occupancy दिखाती हूँ मैं आपको क्या चल रहा है बुक माई शो पर, क्या मैडनेस चल रही है. साथ साथ में डे नंबर 1 का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है अब से काफी देर पहले आ चुका है वैसे, लेकिन उसको भी मैं अभी बता दूंगी उसके बारे में क्या कुछ कहना है. साथ में हम आज की डे नंबर 2 की अब तक की कलेक्शन कितनी हो चुकी है सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. वीडियो कंटिन्यू जरूर देख लेना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब. तो बात करूंगी मैं सबसे पहले पिछले दिन की डे नंबर 1 की. आज सुबह का जो प्रिडिक्शन था वो आ रहा था 61 करोड़ का, लेकिन जो फाइनल नंबर है ये कितना आता हुआ लग रहा है. तो जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है ये अपडेट हो चुकी है, इसमें हम लोग सबसे बड़ा सरप्राइज देखेंगे ओवरसीज से क्या नंबर आया है बॉस. जो हमारी जितनी भी प्रिडिक्शन थी ना सबको फेल कर दिया है एनिमल ने. सो डे नंबर 1 की जो फाइनल कलेक्शन रही वो रही है 63.8 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन. इसमें हिंदी की जो अकेले सिर्फ हिंदी लैंग्वेज से 54.75 करोड़ है, और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि आज के दिन अनदर ऐसा ही जाइगेंटिक नंबर जो है वो आ सकता है, और जिसमें हमारे को 54.75 करोड़ अगर डे वन पे आया था तो आज भी एक ऐसा नंबर आएगा कि 100 करोड़ का नंबर जो है अकेले हिंदी लैंग्वेज से क्रॉस हो जाएगा. तो एक तो हिंदी में 54.75 करोड़ हो गया, तेलुगु 8.55 करोड़, तमिल 40 लाख एंड कन्नड़ा में 9 लाख का नंबर है. साथ साथ में अगर हम मलयालम लैंग्वेज की बात करें तो 1 लाख का नंबर है, ज्यादा नहीं है मलयालम लैंग्वेज में, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस में और स्पेशली तेलुगु लैंग्वेज में बहुत जबरदस्त जो है कलेक्शन रही है. इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं वर्ल्ड वाइड पहले ग्रॉस कलेक्शन की, तो हम पहले जो आज सुबह भी मैंने आपको बताया था अगर 60 करोड़ 61 करोड़ इंडिया नेट में आता है तो ग्रॉस ऑटोमेटिकली 75 करोड़ हो जाता है, जो कि उससे भी ज्यादा का ग्रॉस आया है इज 76.1 करोड़ का ग्रॉस डे 1 इंडिया नेट कलेक्शन. इजंट दैट अमेजिंग. अब सुनो कहानी ओवरसीज की. हमारी क्या प्रिडिक्शन थी, हमारी प्रिडिक्शन थी 25 करोड़ की. ठीक है, 25 करोड़ की हमारी प्रिडिक्शन थी, तो हमारा कितना अभी तक जो है ना, तो 25 करोड़ की हमारी प्रिडिक्शन थी. 25 करोड़ तो कुछ भी नहीं है डे नंबर 1 पर जो ओवरसीज से मार्केट से एनिमल ने किया है. एक तो ऑफकोर्स प्रीमियर्स का फायदा मिला, लेकिन क्या नंबर आया वॉज ह्यूमंगस नंबर. 40 करोड़ का ओवरसीज का नंबर आ चुका है, जी हाँ 40 करोड़, और जब ये हम कर देते हैं ऐड तो 116 करोड़, 116 करोड़ ऑन डे नंबर 1. द नंबर्स आर मैड क्रेजी. और साथ में अगर मैं आपको बताऊं कि अभी तो ये कहानी थी केवल और केवल पहले दिन की, नॉन हॉलीडे प्योर वर्किंग डे, नो फेस्टिवल, नो बेनिफिट, कोई और बेनिफिट नहीं इस फिल्म को मिलता हुआ. मतलब इतनी सारी चीजों के बावजूद क्लैश में ये रिलीज हुई है. ऑल्दो क्लैश तो वन साइडेड ही हो चुका है अब इस टाइम पर, लेकिन उसके अलावा जिस तरीके से ए सर्टिफिकेट मूवी, I mean, look at all the adversities, but still, day one collection, 116 crores. Man, this is not a joke. Worldwide collection में पठान का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है. और नंबर 2 पर मतलब सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसर जो है ऑफ डे नंबर 1 एनिमल बन चुकी है आफ्टर जवान. सो मैन, एक तो ये, दूसरी चीज सुनो जो और भी ज्यादा दिमाग हिला हुआ है, वो है आज का बुक माई शो. अगर आपने अभी खोल के नहीं देखा है तो मैं आपको दिखाती हूँ आज बुक माई शो में क्या हुआ. 2 तारीख आज, आज एक घंटे में, सिर्फ एक घंटे में ध्यान से सुना, 71,400 टिकट सोल्ड आउट इन जस्ट 1 आवर. भाई ये एक दिन का होता है किसी किसी मूवी का, एक दिन में इतना नंबर होता है. ऑफ कोर्स हम जवान की बात नहीं करेंगे, जवान तो एक अलग लेवल की ग्रॉसर थी यार. ठीक है, यहां पर लेकिन एनिमल जिसका जीरो प्रमोशन हुआ था, जिसने सिर्फ ट्रेलर लास्ट पिछले मतलब एक रिलीज से एक हफ्ते पहले बस ट्रेलर जिसका आया है, उसके बाद ये नंबर 71,000 टिकट सोल्ड पर आवर के रेट पर चल रहा है. और अगर मैं आपको शहर दिखा देती हूँ, विच इज दिल्ली एनसीआर की ऑक्यूपेंसी इज मैड क्रेजी. मतलब एनिमल, अंदर का एनिमल जाग चुका है. ऐसा लग रहा है कि रणबीर कपूर के एक्टर वाला जो जैसे कह सकते हैं ना, वो अंदर से पूरा का पूरा हिल चुका है, और वो इट इज गोइंग मैड क्रेजी हियर एंड देयर. अब देखो, जस्ट लुक एट दिस, ये है आज का दिल्ली एनसीआर. जस्ट लुक एट दिस, व्हाट इज दिस फ्रीकिंग थिंग. ये क्या है भाई, ये दिल्ली एनसीआर है अभी सिर्फ, और ऐसा दिल्ली एनसीआर जिसमें एक भी ग्रीन कलर नहीं है, एक भी ग्रीन कलर नहीं है. आप देख सकते हो ये सारा का सारा दिल्ली एनसीआर ऑरेंज है. ओके, पूरा, जस्ट लुक एट दिस, व्हाट, ये मैंने नहीं देखा दिल्ली एनसीआर में इतनी मैडनेस. ठीक है, ये तो आज का दिन है, ये आज के दिन की मैडनेस है. अब आप कल का देखो, कल भी छुट्टी जो संडे का दिन है, ये देखो, लुक एट दिस, अभी से कल की मैडनेस, जस्ट लुक एट दिस. Entire book my show is turned orange. और ये क्या होगा, ये कलेक्शन कहाँ जाएगी भाई. अभी देखना, अगर आप बुक माई शो भी खोलकर देखोगे आपको पता चलेगा क्या कुछ चल रहा है. अभी से कुछ देर पहले ऑक्यूपेंसीज और डे नंबर 2 की कलेक्शन जो है ये होकर अपडेट होकर के आ चुकी है. ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ऑक्यूपेंसी आज की क्या रही है,
भाई ये आज की जो ऑक्यूपेंसी है ये सुनकर भी आपका दिमाग हिल जाएगा। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी जो है इसने 46.7% की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी है। हो सकता है सुन के ऐसा लगे ऐसा लग रहा था आज तो सुबह 50% 60% चली जाएगी, लेकिन अभी रुको जरा, अभी रुको। मुझे लगता है कुछ देर में ये ऑक्यूपेंसी दोपहर की जब अपडेट होकर के आएगी ना, अभी तक तो आई नहीं है, ये दोपहर की जब अपडेट होकर के आएगी तब आपको पता चलेगा कि आज की कलेक्शन में। बुक माई शो देखकर आप समझ गए हो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। और अभी तक का जो कलेक्शन है एज ऑन 3 PM ऑफ एनुअल डे नंबर 2 इज 26 करोड़। 26 करोड़ ये ऑलरेडी कर चुकी है, अब कितने करोड़ आगे और करेगी, और आज 100 मिलियन का नंबर क्रॉस करना है हिंदी में, ये बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कर लेगी आज। देखते हैं वो चीज पूरी होती है नहीं होती है, भरोसा मुझे पूरा है। जो नंबर जिस तरीके की ऑक्यूपेंसी अभी हम देख के चुके हैं, ऑफकोर्स मुझे लगता है आसानी से करेगी, लेकिन शहरों में 43%, दिल्ली NCR में 60-70% की ऑक्यूपेंसी लाना मजाक बात बिल्कुल नहीं है। ऑडियंस जो होती है यहाँ की, दे आर इन टू सम प्री ऑक्यूपेशन। संडे को भी बाहर चले गए, फैमिली के साथ लंच पे चले गए, रिश्तेदारों के पास चले गए। एनिमल जैसी ए रेटेड वायलेंस से भरपूर कह सकते हैं रॉ मूवी रणबीर कपूर की जो मूवी है, इसको आज के दिन इतनी ऑक्यूपेंसी मिली है, इतनी ऑक्यूपेंसी मिली है जो यूए रेटेड मूवीज को भी नहीं मिलती है। सो भाई क्या होगा अब ये देखना होगा, समय के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन ये टोटली क्रेजी नंबर है आज के दिन। अभी मुझे लगता है आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी ये देखकर करीब करीब 70% तक जा सकती है, इवनिंग ऑक्यूपेंसी और ज्यादा हाई 80% तक जाएगी, आज इवनिंग में ही जाएगी 80% हिंदी 2D वर्जन में। क्या लगता है बाकी आपको आज की कलेक्शन कहां तक आपको आती हुई लग रही है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल जिसका स्टोर फंक्शन।